नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं आज शाम की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल का संसद में पहला भाषण। संसद सत्र के छठे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और भाजपा को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, GST, MSP, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी अंबानी, प्रधानमंत्री और स्पीकर की चर्चा की। उन्होंने 90 मिनट के भाषण की शुरुआत संविधान की कॉपी दिखाकर की। भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तू तू मैं हुई। राहुल ने अग्निवीर, PM मोदी के परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन और किसानों के MSP कानून की बात कही। इस पर PM 2 बार, शाह राजनाथ 3 बार, शिवराज चौहान और भूपेंद्र यादव को 1-1 बार खड़े होकर टोकना पड़ा। 25 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग IMD ने देश के 25 राज्यों में आज और अगले 5 दिन बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, झारखंड, दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट के राज्य शामिल हैं। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून अब देश के करीब सभी राज्यों में पहुंच गया है। अगले 3 दिन में यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बाकी बचे हिस्से को भी कवर कर लेगा। जून में देश भर में 165 mm की जगह 147 बारिश हुई है। यह सामान्य से 11% कम है। रविवार को महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में भारी बारिश हुई। गुजरात में बारिश से सूरत, भुज, वापी, भरूच और अहमदाबाद में सड़कों और घरों में पानी भर गया। टीम इंडिया बैरल तूफान में फंसी। T20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन टीम इंडिया बैरल तूफान की वजह से बारबाडोस में ही फंसी हुई है। भारतीय टीम को सोमवार को यानी आज भारत आने के लिए न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से टीम का शेड्यूल बाधित हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अटलांटिक में आने वाले बैरल तूफान के कारण 210 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ICC ने T20CC की टीम ऑफ द टूर्नामेंट चुनी। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम ऑफ द टूर्नामेंट की घोषणा कर दी है। टाइटल जीतने वाली भारतीय टीम के 6 खिलाड़ियों को इस टीम में ICC ने जगह दी है। स्टार बैटर विराट कोहली को इस टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं रन रैप रही साउथ अफ्रीका टीम का कोई भी खिलाड़ी टॉप 11 में जगह नहीं बना सका है। एनरिक नॉर्तिया को 12वां प्लेयर चुना गया है। टीम की बात करें तो रोहित शर्मा, रहमानुल्लाह गुरबाज, निकोलस पूरन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, राशिद खान, मार्कस स्टोइनिस, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, फजल हक फारूकी। कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों का रिव्यू करने के बाद LPG की कीमतों में कटौती की है। इस कटौती का फायदा केवल कमर्शियल रसोई गैस उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। घरेलू उपयोग वाले उपभोक्ताओं को कीमतों में कमी का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस साल में ये लगातार 4th महीना है जब कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। 4 माह के दौरान 150 रुपए तक की कमी की गई है। आज से राजस्थान में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 30 रुपए कम किए हैं। इस कटौती के बाद आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर बाजार में 1698 से बजाय 1668 रुपए में मिलेगा। राहुल BJP सांसदों से बोले, आप हिंदू नहीं हिंसक हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, शिवजी की फोटो देखिए, त्रिशूल जमीन में गड़ा है, वह अहिंसा की बात करते हैं। आप लोग खुद को दिन भर हिंदू कहते हैं और हिंसा की बात करते हैं। आप लोग भाजपा सांसदों की ओर इशारा करते हुए, हिंदू है ही नहीं। 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 जुलाई से लागू हो गए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज शाम की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।